हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऐसा करते हैं, आप लोग ठीक होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी जस्ट सो के उठी हुई हूँ और मेरी बिंदी गिर गई है, लगा लेती हूँ अभी थोड़ी देर से। जाऊँगी अंदर तो लगा लूँगी। आज मैं पहली बार ऐसी वीडियो शूट कर रही हूँ बिना बिंदी के, वरना मैं बिंदी लगा के ही हमेशा वीडियो शूट करती हूँ। मेरे माथे से निकलती भी नहीं है कभी बिंदी, कट कर गई है, कोई बात नहीं। अभी लगा लेती हूँ थोड़ी देर से, और अभी जस्ट सो के उठी हूँ तो फेस अजीब सा हो रखा है ना। मुझे अभी यहाँ अंदर कपड़े सूखने डाला है, 2:30 बज गए हैं। बाहर रखे हुए थे, मतलब बाथरूम के वहाँ पे जो गैलरी टाइप के ना, वहाँ पे रखे हुए थे ताकि पानी उनका छट जाए। तो हम लोग के पास वॉशिंग मशीन तो है नहीं, इसलिए फिर ऐसे ही हमें रखना होता है कि पानी छट जाए। फिर यहाँ डाल दूँगी तो दो दिन में सूख जाएंगे, क्योंकि बारिश अभी भी लगातार लगी हुई है, होने में बिल्कुल भी नहीं रुकी है। कल थोड़ी रुकी थी, तो कल मतलब 2-3 दिन के कपड़े थे जो वो सूख गए हैं। आज तारीख 9 है, हाँ 9 तारीख है, और बच्चे भी बाहर निकल गए हैं। थोड़ा सा पानी थमा तो, क्योंकि बारिश खूब तेज आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। भैया एक बिंदी लिया हमारे लिए, बिंदी लिया, तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है। और रात तो बहुत ओले गिरे, मतलब छतरपुर में नहीं गिरे लेकिन आसपास के गाँव में बहुत ज़्यादा गिरे, तो किसान ना एकदम बर्बाद हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े गिरे, बहुत बड़े बड़े हुआ। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, वहाँ पे डिब्बी में रखी है क्रीम की वो वाली है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी आप लोगों के। मेरे पास वीडियो नहीं है, वरना वीडियो लगा दी थी, लेकिन मैं फ़ोटो लगा दूँगी अगर हुआ तो, मुझे मिली तो। क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई, ओले भी बहुत बड़े बड़े गिरे। वैसे कहते हैं खड़ी फसल पर ओले नहीं बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बता दिया। और देखो ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो अपना ध्यान रखो। और कोरोना की जो तीसरी लहर भी आ गई है, आ रहे हैं हम देख लेंगे, आपको नहीं मिलेगी। तो तीसरी लहर भी आ चुकी है कोरोना की, मतलब हमारे छतरपुर में भी काफ़ी केसेस निकलने लगे हैं। तो जैसे कि ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले, नहीं तो घर में ही रहें। सब जगह निकलने लगे हैं केसेस, तो इसलिए इस बार जानी चाहिए। हाँ हम सोच रहे हैं अपने लिए थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के वो ले ले जीवन पी थी। 9 साल में तो आई जाए थे ना पैसे बहुत सारे, उसके बाद अपना चैनल छोले थे। तो आप लिंक दे दे थी मम्मी थी जबरदस्त, तो डिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ ठीक है, तो अब जाओ। तो जब ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले, वरना ना निकले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब केस फैल रहे हैं, तो थोड़ा सा डर है। आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया था, मूंग की दाल और रोटी बनाई थी, मतलब और कुछ नहीं बनाया था, कुछ तो बनाया था, तो मूंग की दाल और रोटी बनाई थी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए, और ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने चावल वगैरह नहीं बनाए। तो चलो मैं पहले कपड़े डाल देती हूँ यहाँ पर सूखने के लिए, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कपड़े यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रही हूँ। मैं सारे कपड़े अभी अंदर ही डाल लूँगी, क्योंकि बाहर तो बहुत बारिश हो रही है और बाहर कपड़े डालना पॉसिबल भी नहीं है, इतनी बारिश में कहाँ कपड़े डालेंगे। सो मैं यहाँ पर सारे कपड़े डाल दूँगी, मतलब पानी निचड़ गया है इनका, पानी छट गया है पूरा का पूरा। बस यहाँ पे थोड़े से मैं सूखने के लिए डाल दूँगी इस तरीके से कपड़े। तो आज का जो है मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इस तरीके का, तो माई फर्स्ट ब्लॉग बोल सकते हैं आप लोग। आप लोगों के साथ में इसके बाद में नए नए बहुत अच्छे ब्लॉग जो है शेयर करने वाली हूँ इस फर्स्ट ब्लॉग के बाद में। सो आई रियली होप कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, तो लाइक पक्के से कर देना, क्योंकि आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फोल्ड मतलब सुखाने के लिए डाल दिए हैं, और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो भैया को खानी थी भजिए, तो मैं यहाँ पे प्याज कट कर ली है, हरी मिर्ची, हरी धनिया और सौंफ डाल दिए, थोड़े से जो फली वाली धनिया आती है ना वो डाल दी है मैंने, और नमक डाल दिया है। लाल मिर्ची डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने थोड़ी ही डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। थोड़ा सा फ़ोन हिल रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अदिति को दिया हुआ है मैंने फ़ोन और वो हिला रही थी जानबूझ के मुझे तंग करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वो डाल दी है, इसी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। मैं इस तरीके से ही भजिए बनाती हूँ, भाजी हो अगर पालक की तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन भैया खाता नहीं है ना, इसलिए मैंने पालक की भाजी नहीं डाली है, सिर्फ इस तरीके से धनिया ही डाली हुई है। थोड़ी सी मैंने ऐड की है प्याज वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा ही बेसन था, ख़त्म हो रखा था बेसन, इसलिए थोड़ी सी ही बनाऊँगी मैं। सो यहाँ पर मैं बेसन ऐड कर दूँगी जितना मुझे चाहिए क्वान्टिटी में, घोल के देख लूँगी मतलब एक बार मैं।
कि कितना चाहिए मुझे, और इसको बहुत अच्छी तरीके से घोलना है कि ताकि इसमें लंच ना पड़े, और थोड़ी देर घोल के रख दें तो बहुत ही सॉफ्ट भजिए बनते हैं, वरना थोड़े से एकदम कड़क कड़क बन जाते हैं। तो मैं घोल के इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, और अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा इसमें वो भी डाल सकते हैं, यानी कि सोडा डाल सकते हैं, यानी कि मीठा सोडा डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी। मैंने इस तरीके से पहले मिक्स कर लिया है, फिर मैं मॉइस्चर के हिसाब से पानी ऐड करूंगी इसमें, क्योंकि प्याज वगैरह धुलते हैं ना और धनिया वगैरह, तो थोड़ा बहुत उसमें भी मॉइस्चर रहता है, तो उस हिसाब से मैं पानी डालूंगी कि कितना मुझे क्वांटिटी में इसमें पानी ऐड करना है। और बस यहाँ पे मैं धीरे धीरे पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से घोल के रख लूँगी, और अदिति के लिए मैं अलग से बिना प्याज वाली भजिए बनाऊँगी, क्योंकि वो प्याज वाले भजिए नहीं खाती है, तो उसको बिना प्याज वाले अलग से भजिए बनाऊँगी, मतलब पकौड़ी टाइप की बना दूँगी उसको बिना प्याज वाले, क्योंकि उसको प्याज वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं आता है, कम खाती है वो। सो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको फेंट लूँगी, और ये मेरा ये कटोरा है ना, आप लोग देख सकते हैं बहुत दिन का हो गया, 5-6 साल का हो गया प्लास्टिक का, और काफ़ी अच्छा इसका प्लास्टिक निकला है। मैं इसमें क्या करती हूँ, पानी वगैरह जैसे कि आटा वगैरह लगाती हूँ, तो इसमें हाथ अच्छी तरीके से धुल जाते हैं, एकदम फैला टाइप का है ना, इसलिए इसमें हाथ बहुत अच्छी तरीके से धुल जाते हैं। तो देखो मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको फेंट लूँगी, और थोड़ा सा मुझे इसमें बेसन और लग रहा था कि कम पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड कर दिया है, ताकि अच्छी तरीके से मतलब सभी को हो जाए, शाम के नाश्ते का तो हो जाए कम से कम थोड़ी थोड़ी भजिए, तो हम तीनों लोगों के लिए ही चाहिए है, तो पतिदेव भी इतनी ज़्यादा नहीं खाते हैं इसलिए उनको भी ज़्यादा नहीं चाहिए, और इनको बस भैया के लिए भी चाहिए है, सो भैया के लिए और मेरे लिए, तो पतिदेव थोड़ा बहुत खाते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, और आप लोग मेरी कढ़ाई पे मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ी सी अलग टाइप की कढ़ाई, मतलब वो हो गई है मेरी कढ़ाई, ख़राब हो चुकी है, मतलब तो इसको कितना भी साफ़ करो ये साफ़ नहीं होती है, इसलिए थोड़ी सी इस तरीके की है, तो ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी, तो देख लूँगी मैं कि इसमें कढ़ाई हो गई या नहीं हुई, तो मेरी ऑयल जो है ऑयल हो चुका था, तो बस मैं यहाँ पे मैं भजिए डाल लूँगी थोड़े थोड़े, मैं हाथ से ही डालती हूँ, चम्मच से मुझे नहीं आता है बनाना, बहुत से लोग चम्मच से बना लेते हैं, लेकिन मुझे चम्मच से बनाते हुए नहीं आता है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और बस इस तरीके से अच्छी तरीके से छोटी छोटी सी भजिए तोड़ दूँगी, और एकदम मीडियम आंच में सेक लूँगी, सेम में सेकेंगे तो तेल इसमें बहुत ज़्यादा भर जाएगा, और तेज़ में सेकेंगे तो अंदर से जली, मतलब बाहर से जल जाएगी पर अंदर से सेकेगी नहीं, इसलिए मीडियम आंच पे हमें इसको सेकना है। तो ये देखो मेरी भजिया ऑलमोस्ट हो चुकी है, और इसको मैं भैया को प्लेट में निकाल के दे दूँगी, तो वो सॉस के साथ खाएगा, आप लोग चटनी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे तो सभी लोग बना लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी से नहीं बनती है, लेकिन वो तो मैं थोड़ा सा अपनी ब्लॉग में रेसिपी शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर कर दी आप लोगों के साथ में। और बस यहाँ पे भजिए मैं निकाल ली हूँ, वहाँ पे गिर भी गई है तो मैं उसको भी रख दूँगी उठा के, और भैया को दे दूँगी खाने के लिए। सो आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और सो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैंने अपने हेयर वॉश किए हुए हैं मॉर्निंग में, और आज है मंडे, तारीख है 10, आज मेरे भैया का बर्थडे है, यानी कि मेरा सबसे छोटा वाला जो मेरे दोस्त है, इनके एक दोस्त का भी है, तो आप लोग विश कीजिएगा, है ना, उसका बर्थडे है। वैसे पार्टी नहीं करेंगे क्योंकि मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। वैसे आज बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन बादल हैं, बूंदी गिर रही है, नहीं बूंदा भी नहीं गिर रही है, तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। हेयर वॉश किए थे, जिस दिन हेयर वॉश करते हैं उतनी पूरी बांगों से सिंदूर डाल लेते हैं, यहाँ पर पूजा किया था तो थोड़ा सा तिरछा है, और मेहंदी डालनी है बालों में, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो मेहंदी नहीं डाली हूँ, घर में शादी है, किसकी शादी है वो सरप्राइज है आप लोगों को, मैं बता दें, नहीं सरप्राइज है, बताएंगे फिर, दो शादी है, दो शादी हैं, और आप लोगों को हो सकता है शादी के ब्लॉग मिले, हो सकता है ना भी मिले, है ना, क्योंकि पहले तो घर में पूछना पड़ेगा, मतलब कि सभी लोग कैमरे के सामने आना वो नहीं करते हैं, और किसी किसी को ठीक रहता है, किसी किसी को थोड़ा सा डर लगता है, तो इसलिए मैं आती हूँ कैमरे में, ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग आ जाएंगे, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं कैमरे में आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँ, और हो सकता है करूँ, एक शादी का तो पक्का करूँगी, जाएंगे तो एक का कंफर्म नहीं है कि करेंगे या नहीं करेंगे, है ना, तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और शादी तो सरप्राइज़ है, अभी बताएँगे, एक दो दिन में बता दूँगी मैं, हाँ मैं 15-16 तक, हाँ नेक्स्ट ब्लॉग में बताएँगे किसकी शादी है, तो आप लोगों को ब्लॉग रोज कंटिन्यू देखने होंगे,
और चलो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं लाइक ये मेरा हेयर वॉश होने के बाद, देखो कितने अच्छे हेयर लगते हैं। वैसे मेरे हेयर ना काले हैं, थोड़े थोड़े से फंसे हुए हैं यहाँ पे, मतलब काले भी नहीं है, थोड़ा सा अलग कलर है, बहुत अच्छा लगता है, धूप में बहुत ज़्यादा चमकते हैं, बहुत ही सिल्की शाइनी रहते हैं। और इस वीडियो पे लाइक ये मेरे 50। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। चलिए मिलते हैं फिर, बाय।